रस का दौर है। हेलो, थोड़ी आवाज उठा दो। महाभारत छोड़कर वीर रस आप श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही है ना पाठक? तो उसी क्रम को सिरोधार रखते हुए आइए, आपको वीर रस राजा सुरथ और हनुमान जी महाराज, सुरथ का पुत्र चंपक, जिन्होंने राम जी का अश्वमेघ का घोड़ा कुंडनपुर में पकड़ा। तो आज हनुमान जी महाराज के साथ में शत्रुघ्न है और सुरथ व चंपक से युद्ध होता है, यही संवाद आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाभारत से काट छाट कर भजनों को इधर उधर काट पीट कर आपको सुनवा दूंगा, बिल्कुल रामचरितमानस से बड़ा ही सुंदर संवाद है जो नामजद है। सुनो राम रघुनाथी का घोड़ा, सुनो राम रघुराज का घोड़ा पकड़ाया कुंडलपुर युवराज ने, घोड़ा पकड़ा में पड़के, रखने को निज आन रोक ली सेना बड़के, और मनमोहन यूं कहे शत्रुघ्न समझा के, चढ़े अवध की सेन बचे ना प्राण बचा के। ये कुंडली आपने श्रवण की है तो आज हनुमान जी महाराज के सामने चंपक है। चंपक जैसे ही घोड़े को पकड़ लेते हैं, युद्ध की तैयारियां हो जाती हैं। दोनों राम भक्त हैं, इधर सुरथ भी राम जी महाराज को इष्ट देव मानते थे, इधर हनुमान जी महाराज तो राम जी के सदा सेवक रहे हैं। तो देखिए भक्तों भक्तों की आज लड़ाई है। जैसे ही चंपक ने घोड़े को देखा, कहा जाओ, इस घोड़े को पकड़ कर लेकर आओ जिससे हमें रामचंद्र जी महाराज के दर्शन होंगे, और ऐसे ही में उनका युद्ध हो जाता है। वो यूं ही सर झुका ले वो इंसान एकदम पुरानी धुनों से ओत करो। समर में सकल क्या चंपक ने कहा कि बानर तू मेरी राह रोकता है,
घोड़ा बांधने से रोकता है तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं अरे चंपक हो समर में सकल क्या ये हुनर देखिए समर में सकल क्या हुनर देखिए और बने आपसे जो वो कर देखिए बने आपसे जो वो कर और बने आपसे जो वो कर देखिए बने आपसे जो वो कर देखिए कहा क्या अवध में ही ऐसी माता है जिन्होंने जन्म दिया है क्या कुंडलपुर की माताओं के दूध में वो ताकत नहीं क्या कह रहे हैं लहू से लहू तेरा लहू भी वही है और मेरे अंदर भी रक्त जो बह रहा है वो भी वही है लहू से लहू तोल कर देखिए और बने आपसे तो हनुमान जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं कहा रे कायक तो महाबली ने कहा मैं भी अंजनी का जाया हूं और महाबली ने आज सूरत को खूब सजा दी है सारा मैदान लाशों से फाड़ दिया किस प्रकार से युद्ध हुआ वो महाबली ने आज सूरत को सूब सजा दी है तो लाश पर लाश बिछा दी और लाश पर लाश बिछा दी है लाश पर लाश बिछा दी है लाश पर लाश बिछा दी है कहा हो बड़ा बलवान धुरंधर किया संग राम भयंकर दोनों ही राम के भक्त हैं राम के दर्शन वो भी चाहते हैं कि प्रभु राम का घोड़ा अगर हमने पकड़ा तो उन्हें आना ही पड़ेगा और इनकी सेना से तो हम निपट ही लेंगे देखिए क्या युक्ति लगाते हैं हो बड़ा बलवान धुरंधर किया संग राम भयंकर Yeah.
और लाश पर बिछा दी कहां के आकाश में कितनी गहराई है पानी के जीवों से पूछो। प्यार क्या होता है इन रकीबों से पूछो और कर्ज कितना है सिर पर इन किसानों से पूछो। क्या कायर तू कारीगरी कमजोरों को दिखलाता है, जान से ही मार दूंगा मदमस्त हो धोस जमाता है मुझे बुजदिल कहने वाले, जरा सोच समझ कर तो बोल क्यों भरी सभा में अपनी माँ का दूध ले जाता है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, जैसे ही कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, कहा रे कायर, हरे मारे मारने वाले तू भी मन घट जाएगा। कहा हमें मारने वाले बहुत आए और तेरे जैसों को कईयों को हमने पछाड़ा है। क्या कह रहे हैं हमारे और महाबली के हाथ से सूरत आज नहीं बच पाएगा। महाबली के हाथ से सूरत याद नहीं बच पाएगा। कहां तेरे बाजुओं में कितना बल है और तेरी सेना में कितना दल है। क्या कह रहे हैं धरा का रंग लाल लाल है। चारों तरफ आज खून की जैसे होली खेली जा रही हो, ऐसा घनघोर युद्ध होता है सूरत और हनुमान जी महाराज के बीच में। बजरंग के फंदे से तुझको कोई बचा ना पाएगा। आज नहीं बच पाएगा। हेलो, कहा कि है कोई भी कहा रे कायर, बहुत देर से बकबक कर रहा है। हो है कोई दिल में जलती है क्रोध की ज्वाला, ये ज्वाला दिल में जलती है क्रोध की ज्वाला, ये ज्वाला दिल में जलती है क्रोध की ज्वाला, ये ज्वाला दिल में जलती है क्रोध की ज्वाला, ये ज्वाला दिल में जलती। हो क्योंकि वहां पर सूरत जो कुंडल देश
का महाराज था, बड़ा ही दानी था, और आजू बाजू के जो राज्य थे उनकी मदद पर थे। कह रहे हैं है कोई भी जो भी रण में मेरे सामने आता है आज तक कभी वो जिंदा नहीं गया, तो तेरी क्या बिसात है रे बालक। क्या कह रहे हैं वो जिंदा रण से किया है हमारे महाराज चक्रवर्ती प्रभु राम का घोड़ा जो रोका है। क्या कह रहे हैं वो जिंदा रण से समारी पे यू समारी में तहारी के बोला जल्दी क्रोध की ज्वाला।